आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडिया में लॉन्च होने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के बारे में, जो इस साल यानी 2020 में और 2021 में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और हाँ, इन कार्स की कीमत 15 लाख से अंदर होगी, इसलिए अगर आप एसयूवी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई कार आपके बजट में हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाई रेव इंडिया। इस वीडियो में हमने टारगेट रखा है 4000 लाइक्स का, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, टाटा HVX। टाटा मोटर्स ने फरवरी में 2020 ऑटो एक्सपो में HVX कंसेप्ट मिनी SUV को पेश किया था। इससे ठीक पहले कंपनी ने पिछले साल जेनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में H2X कॉन्सेप्ट पेश किया था। टाटा मोटर्स ने HVX को एक ऑफ रोडर माइक्रो SUV की तरह डिजाइन किया है। अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग की तारीख फाइनल नहीं की है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस कार को भारत में इसी साल त्योहारों के सीजन के दौरान पेश किया जा सकता है। टाटा मोटर्स के मुताबिक HVX का ऑटो एक्सपो में पेश किया गया मॉडल 97% प्रोडक्शन रेडी था, यानी उसमें और बाजार में उतारी जाने वाली मॉडल में कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ जानते हैं इस ऑफ रोडर माइक्रो SUV की क्या खासियतें हैं। टाटा की प्रीमियम कॉम्पैक्ट हैचबैक टाटा अल्ट्रोस के बाद टाटा HVX दूसरा ऐसा मॉडल होगा जो कंपनी के नए अल्फा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसके निर्माण के पीछे इम्पैक्ट डिजाइन 2.0 की अवधारणा काम करती है। SUV के फ्रंट में स्प्लिट हेडलैम्प, फ्लैट बोनट और दरवाजों पर प्लास्टिक क्लाइडिंग मिलेगी। पीछे की तरफ छोटा रूफ माउंटेड स्पॉइलर, कॉन्सेप्ट कार जैसा टेलगेट और कॉम्पैक्ट टेल लाइट होंगी। साइड में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ कन्वेंशनल आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलेंगे। इंटीरियर कैबिन की बात करें तो टाटा की इस छोटी SUV के अंदर फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, 5 डिजिटल 7-इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एंड्रॉइड ऑटो व एप्पल कार प्ले के साथ 7-इंच फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। पावर, टाटा की छोटी SUV सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो टियागो और अल्ट्रोज में दिया गया है। ये इंजन 85 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। भारतीय बाजार में इस माइक्रो SUV का मुकाबला मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, मारुति सुजुकी इग्निस, महिंद्रा KUV100 और रेनॉल्ट क्विड से होगा। टाटा HVX की कीमत तय करने में कंपनी बहुत एहतियात बरतेगी, क्योंकि बाजार में मौजूदा अन्य SUV से इसे तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। निसान मैग्नाइट। भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब जापानी वाहन निर्माता कंपनी निसान बाजार में नई SUV निसान मैग्नाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार इस SUV का कोड नेम EM2 है और इसे जल्द ही बाजार में बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसकी साइज 4 मीटर से कम होगी और बाजार में ये SUV सीधे Hyundai Venue को टक्कर देगी। नई निसान मैग्नाइट में कंपनी कुछ अत्याधुनिक फीचर्स को शामिल करेगी। इसमें नए डिजाइन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फैक्ट्री फिटेड सनरूफ, 360 कैमरा, ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स को भी शामिल किया जा सकता है। निसान मैग्नाइट में कंपनी 1.0 लीटर की क्षमता का 3 सिलेंडर युक्त पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया गया है। कंपनी से नेचुरल एस्पाइड और टर्बोचार्ज दोनों इंजन विकल्प के साथ बाजार में पेश करेगी। इसके नेचुरल एस्पाइड इंजन को कंपनी ने रेनॉल्ट रिवर में प्रयोग किया है, जो कि 71 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स को शामिल किया गया है। ऑटो कार के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इस SUV की कीमत महज 5.25 लाख रुपए हो सकती है। टाटा ब्लैकबर्ड SUV। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स इस बार के ऑटो एक्सपो में अपनी नई SUV टाटा ब्लैकबर्ड को लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर पहले ही SUV का टीजर जारी किया है। हालांकि कंपनी ने इसके नाम को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये कंपनी आने वाली SUV टाटा ब्लैकबर्ड हो सकती है। इसके टीजर में SUV का बहुत थोड़ा हिस्सा ही दिख रहा है। इस SUV के कंसेप्ट को
ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में कंपनी ने अपने एसयूवी लाइनअप में नेक्सॉन और हैरियर को शामिल किया था। इन दोनों एसयूवी की कीमत में खासा अंतर है। अब ऐसी खबर है कि कंपनी इसी गैप को भरने के लिए इन दोनों एसयूवी के बीच में एक नए मॉडल को लाना चाहती है। कंपनी अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा ब्लैकबर्ड को बिल्कुल नई डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार कर रही है। नई टाटा ब्लैकबर्ड को कंपनी ने उसी अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है जिस पर अल्ट्रोस को तैयार किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो ये भी खबर है कि टाटा मोटर्स ने चीनी कंपनी चेरी के टिगो 5X के तर्ज पर इस एसयूवी को तैयार किया है। हालांकि इस बारे में कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस एसयूवी में कंपनी नई फीचर्स को शामिल कर सकती है। कंपनी इस एसयूवी को 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है। वोल्क्सवैगन टाइगन। वोल्क्सवैगन भारतीय बाजार में एक नई एसयूवी टाइगन ला रहा है। ये कंपनी के इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पहली एसयूवी है। ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस की टक्कर में आने वाली वोल्क्सवैगन टाइगन सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारी जाएगी। ये नई एसयूवी क्रेटा और सेल्टोस से ज्यादा पावरफुल होगी। वोल्क्सवैगन टाइगन दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आएगी, एक 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज और दूसरा 1.5 लीटर TSI EVO पेट्रोल इंजन होगा। 1.0 लीटर वाला इंजन एसयूवी की एंट्री लेवल और मिड लेवल वेरिएंट्स में मिलेगा, जबकि 1.5 लीटर वाला इंजन टाइगन के टॉप मॉडल में दिया जाएगा। टाइगन में मिलने वाला 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 115 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। अभी ये इंजन कंपनी को पोलो और वेंटो कारों में दिया गया है, जिनमें ये 110 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 1.5 लीटर TSI EVO इंजन कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुई TROC SUV में दिया गया है। 147 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है। टाइगन में भी ये इंजन इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। सिट्रॉन C21। कार बनाने वाली फ्रांस की कंपनी सिट्रॉन ने भारत में अपने ऑफिशियल एंट्री की घोषणा की है। सिट्रॉन PSA ग्रुप के तहत आती है, जिसके पास प्यूग्योट जैसे ब्रांड्स भी है। सिट्रॉन C21 4 मीटर SUV ग्रुप PSA CMP मंच पर आधारित होगा। ये सामान्य मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म वर्तमान में ग्रुप PSA कई वैश्विक उत्पादों में अंतर्निहित है। वास्तव में लोकप्रिय प्रगट 208 हैचबैक भी इस मंच पर आधारित है। भारत में अपने परीक्षण दौर के दौरान इस हैचबैक को कई बार देखा गया है। साइट्रॉन भविष्य के उत्पादों के लिए परीक्षण बेड के रूप में PU8 208 हैचबैक का उपयोग कर रहा है। नया CMP प्लेटफॉर्म हैचबैक सिडान और SUV सहित विभिन्न बॉडी स्टाइल के साथ संगत है। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के इंजन जैसे पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक को भी समायोजित कर सकता है। दरअसल प्यूग्योट पहले से ही चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में E208 E-Trik हैचबैक बेच रही है। ये प्लेटफॉर्म भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों को पेश करने में सिट्रॉन की मदद करेगा। 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट। दोस्तों आपको बता दे, भारत में फोर्ड के कई मॉडल काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं, उन्हीं में से एक इकोस्पोर्ट है। अब इकोस्पोर्ट को कंपनी नए मॉडल में पेश करने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की ओर से नई फोर्ड इकोस्पोर्ट को फोर्ड BX775 का कोड नेम दिया गया है। इस SUV को साल 2021 के आखिरी तक पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नई इकोस्पोर्ट फोर्ड मस्टैंग Mach-E के प्योर इलेक्ट्रिक SUV की याद दिलाने वाली है। जैसा कि यहां दिखाई गई रेड रिंग में दर्शाया गया है, ये समान अनुपात के साथ अधिक हंच और स्पोर्टिवर दिखने वाला है। व्हील बेस को 2.6 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि पहले 2.5 मीटर का ही आता था। खास बात ये होगी कि नए मॉडल में ऊंचाई कम हो सकती है। इंटीरियर में ऑल न्यू मॉडल फोर्ड के SYNC4 इंफोटेनमेंट सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ पैक करेगा और साथ ही नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा। कार में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। अभी कीमत और अन्य फीचर्स की जानकारी सामने नहीं आई है। होंडा HR-V। ह्यूंडई क्रेटा को टक्कर देने के लिए होंडा भी अपने SUV पर काम कर रही है। होंडा की पोर्टफोलियो में कॉम्पैक्ट SUV नहीं है, वही MPV सेगमेंट की
होंडा BRV बाजार में उतनी छाप नहीं छोड़ पाई जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। वही अब होंडा HRV को लॉन्च कर सकती है। दोस्तों, होंडा सिविक के बाद होंडा अपनी प्रतिद्वंदी कोरियन कार कंपनी ह्युंडई की कॉम्पैक्ट SUV क्रेटा को टक्कर देने के लिए होंडा HRV को लॉन्च कर सकती है। इसकी टक्कर निसान नेक्स और अपकमिंग मॉडल्स किया SP2i, स्कोडा कैमिक, टाटा ब्लैकबर्ड से होगी। वही टाटा की हैरियर से भी इसका मुकाबला बताया जा रहा है। जापान में बिक रही होंडा HRV या विजन में बड़े क्रोम बार के साथ स्पोर्टी बम्पर मिलेगा जिस पर ब्रांड लोगो भी होगा। इसमें स्लीक LED हेडलाइट, बड़े फॉग लैंप मिलेंगे। वही इसमें लेटेस्ट ग्लोबल डिजाइन के मुताबिक शार्प बॉडी पैनल्स और हॉरिजेंटल टेल लैंप्स मिलेंगे। वही होंडा HRV में 1.8 लीटर का पेट्रोल और 1.6 लीटर का टर्बोचार डीजल इंजन मिलेगा। पेट्रोल इंजन 141 PS का पावर देगा जबकि डीजल इंजन 120 PS की पावर देगा। वही इसमें 6-स्पीड मैनुअल और पैडल शिफ्टर के साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। HRV की लंबाई 4294 mm, चौड़ाई 1772 mm और ऊंचाई 1605 mm होगी। वही इसका व्हील बेस 2610 mm होगा। इसकी कीमत 12 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए के बीच रखी गई है। होंडा HRV पहले से ही ग्लोबल मार्केट में मौजूद है और इसमें वे सभी सेफ्टी फीचर्स हैं जो किसी कॉम्पैक्ट SUV में होने चाहिए। MGHS MG मोटर ने ऐलान किया है कि भारत में लॉन्च होने वाली उसकी पहली मॉडल का करीब 75% हिस्सा स्वदेशी होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो कार का 75% हिस्सा भारत में बनेगा जबकि 25% हिस्सा कंपनी बाहर से आयात करेगी। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि भारतीय बाजार में उसका पहला मॉडल SUV होगा जो कंपनी के गुजरात में स्थित हलोल प्लांट में बनाया जाएगा। MG मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव छाबा ने कहा, हमारे सभी प्रोडक्ट्स को UK और चीन में डिजाइन और इंटीग्रेटेड किया गया है जिनमें भारतीय इंजीनियर्स का बड़ा योगदान है। इन वाहनों में अधिकतर देसी पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय सड़कों को ध्यान में रखते हुए कारों में ग्लोबल क्वालिटी दी जा रही है। इसके लिए हलोल प्लांट में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। Volkswagen T-Cross। Volkswagen अपनी सबसे छोटी SUV T-Cross ग्लोबल मार्केट्स में लाने को लेकर लगभग पूरी तरह से तैयार है। Volkswagen T-Cross SUV को मौजूदा साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। Volkswagen T-Cross को पिछले साल जिनेवा मोटर शो में कन्वर्टिबल T-Cross ब्रीज SUV कॉन्सेप्ट के जरिए दर्शाया गया था। नई SUV को Volkswagen T-Roc के नीचे प्लेस किया जाएगा। Volkswagen T-Cross में MQB A0 प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट जनरेशन पोलो हैचबैक और कंपनी के कई अन्य मॉडल्स भी बने हैं। इस नई गाड़ी में Volkswagen पोलो वाला इंजन और गियर बॉक्स दिया जाएगा। Volkswagen T-Cross का प्रोडक्शन वर्जन 1.0 लीटर TSI 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से लेस है। ये इंजन 112 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है। इंजन को 7-स्पीड गियर बॉक्स से लेस किया जाएगा। किया सीड। किया कंपनी सीड प्रीमियम हैचबैक को भी लॉन्च कर सकती है। किया मोटर्स इंडिया के सीनियर जनरल मैनेजर मार्केटिंग और PR सन वुक वैंग ने इस बात की पुष्टि की है। इस कार के बारे में बात करें तो किया सीड एक प्रीमियम हैचबैक है जो बाजार में ह्युंडा i20 और मारुति सुजुकी बलेनो जैसी कार्स के ऊपर स्थान ग्रहण करेगी। अभी तक इस कार का अपनी श्रेणी में कोई प्रतिद्वंदी मौजूद नहीं है और ये भी कहा जा सकता है कि ये कार एक नए सेगमेंट को सृजन करेगी। सीट का एक रोचक पहलू ये है कि इसकी लंबाई 4.3 मीटर है जिस वजह से 4 मीटर से कम लंबाई की गाड़ियों को मिल रही कारों में छूट का स्वाद नहीं ले पाएगी। किया सीड में 1.4 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 140 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर पैदा करता है। साथ ही एक 1.6 लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी आ रहा है जिसमें 136 BHP का पावर पैदा करने की उम्मीद है। दोनों इंजनों को 7-स्पीड ड्यूल क्लच गियर बॉक्स से जोड़ा जाएगा। अभी कंपनी का लक्ष्य इस कार को बड़ी संख्या में बेचने का नहीं है बल्कि कंपनी इसके जरिए अपनी एक अच्छी छवि के निर्माण की कोशिश में है। इस कार को किया की प्रस्तावित फैक्ट्री में CKD किट्स के जरिए असेंबल किया जाएगा और मांग में उछाल आने की स्थिति में इसे भारत में भी बनाया जा सकता है। Volkswagen News Coupe SUV। Volkswagen ने ब्राजील में लंबे समय से इंतजार की जा रही Volkswagen News Coupe SUV को लॉन्च कर दिया है।
कीमत की बात की जाए तो इस कूप एसयूवी की शुरुआती कीमत भारतीय बाजार में करीब 12 लाख रुपए है। फीचर्स की बात की जाए तो नई फॉक्सवैगन न्यूज में 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और 10GB इंटरनल मेमोरी है। रिवर्स कैमरा, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी, ऑटोनोमस ब्रेकिंग, ऑल डिस्क ब्रेक, फेटिक डिटेक्टर, LED फॉग लैम्प, बीट्स प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ सब ऑफर दिए गए हैं। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फॉक्सवैगन कूप एसयूवी में 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 128 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इंजन 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से लेस किया गया है। स्पीड की बात की जाए तो ये एसयूवी 189 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। वही ये एसयूवी महज 10 सेकंड में 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है। महिंद्रा KUV 100 EV। महिंद्रा KUV 100 एक कॉम्पैक्ट हैचबैक इलेक्ट्रिक कार होगी। कंपनी ने इसे पिछले साल 2019 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। इसे लगभग फाइनल मॉडल माना जाता है। इसमें 40 किलोवाट AC इंडक्शन मोटर और ई वेरिटो वाली 72 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी दी जा सकती है। कार सिंगल चार्ज में करीब 140 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके अलावा इसके बैटरी को सिर्फ एक घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा। इसकी अनुमानित कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए के बीच हो सकती है। मारुति ने फ्यूचरो ई कॉन्सेप्ट मॉडल से ऑटो एक्सपो 2020 में पर्दा उठाया है। फ्यूचरो ई की डिजाइन कूपे कार की तरह लगती है। एक्सटीरियर पर शार्प लाइंस होने के बावजूद भी इसकी डिजाइन फ्रंट से लेकर रियर साइड तक एक जैसी ही है। कंपनी का कहना है कि फ्यूचरो ई के जरिए हम भविष्य में आने वाली हमारी इलेक्ट्रिक कारों की डिजाइन की झलक दिखा रहे हैं। इंटीरियर, इस मॉडल की इंटीरियर को ब्लू और आइवरी थीम पर तैयार किया गया है। इसमें कई स्क्रीन्स दिए गए हैं जो अलग अलग फीचर्स को कंट्रोल में मदद करती है। गाड़ी के फ्रंट पर दी गई 2 सीटें रियर पैसेंजर की तरफ टर्न हो सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसमें ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक का भी इस्तेमाल हो सकता है। टेक्नोलॉजी, मारुति फ्यूचरा ई कॉन्सेप्ट मॉडल में चारों तरफ स्क्रीन दी गई है, इसलिए इसकी गाड़ी की सीटों को आसानी से टर्न किया जा सकता है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचरो ई में ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। क्रेटा की तरह दिखने वाले इस कॉन्सेप्ट मॉडल की लॉन्चिंग को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी ने ये जरूर बताया है कि ये कॉन्सेप्ट मॉडल भविष्य में तैयार की जाने वाली एसयूवी की झलक हो सकती है। महिंद्रा एक्सयूवी 300। ऑटो एक्सपो 2020 में महिंद्रा एक्सयूवी 300 को पेश किया गया है। ऑटो एक्सपो के बाद इस कार को पहली बार सड़क पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। महिंद्रा की ये गाड़ी पहली लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है। कंपनी ने इस कार की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। महिंद्रा एक्सयूवी 300 इलेक्ट्रिक को टेस्ट करते देखा गया है, जिससे पता चलता है इसके डिजाइन को इसके पेट्रोल मॉडल जैसा ही रखा गया है। महिंद्रा एक्सयूवी 300 इलेक्ट्रिक की तकनीकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसे ब्रांड के नए ईवी आर्किटेक्चर मेस्मा 350 पर तैयार किया जाएगा। सिंगल चार्जिंग में चलेगी 350 किलोमीटर। महिंद्रा एक्सयूवी 300 सिंगल चार्ज में 350 किलोमीटर का रेंज प्रदान करने वाली है। इसके साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी। पावर के लिए सब कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 300 में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। ई एक्सयूवी 300 एसयूवी में 350 वोल्ट और 380 वोल्ट पावर ट्रेन का विकल्प मिलेगा। ई एक्सयूवी 300 में बंद ग्रिल और रैप राउंड हेडलैम्प्स दिए गए हैं। कार में हेडलाइट्स के आसपास और बम्पर पर नीले रंग है। मारुति सुजुकी जिम्नी एसयूवी। साल 2020 के फरवरी महीने में हुए ऑटो एक्सपो में मारुति की एसयूवी जिम्नी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जिम्नी का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिम्नी को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारा जा सकता है, जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिजायर समेत अन्य कारों में उपलब्ध है। इसकी कीमत 5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। ये ऑफ रोड एसयूवी साल 2020 के आखिर या 2021 की शुरुआत में भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है। एक और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जिम्नी की कीमत
10 लाख रुपए से कम हो सकती है। मारुति इसे अपने प्रीमियम शोरूम नेक्सा से बेचेगी। लॉन्चिंग की टाइमलाइन को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसे इस साल के आखिर या साल 2021 की शुरुआत में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा एसयूवी में ऑटोमेटिक एसी, ऑडियो और क्लाइमेट कंट्रोल्स, हीटेड फ्रंट सीट्स और क्रूज कंट्रोल समेत अन्य फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी के लिए एयरबैग्स, लेन डिपार्चर वार्निंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आईसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे। मारुति जिम्नी भारत में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी, जो इसकी ऑफ रोडिंग क्षमता को बढ़ाएगा। इसका पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 100 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन होंगे। नंबर 3, महिंद्रा एसयूवी 400। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय बाजार में एसयूवी कार की बढ़ती मांग को देखते हुए एक नई एसयूवी लाने वाली है। भारतीय बाजार में एसयूवी के मिड साइज सेगमेंट में बढ़ती स्पर्धा को देखते हुए अपनी मौजूदा एसयूवी एसयूवी 300 और एसयूवी 500 के बीच में पेश करेगा। इसे महिंद्रा एसयूवी 400 नाम से उतारा जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नई एसयूवी महिंद्रा और फोर्ड की साझेदारी में पहली गाड़ी होगी। एसयूवी 400 को S202 कोड नाम दिया गया है। महिंद्रा एसयूवी 400 एसयूवी पेट्रोल डीजल और हाइब्रिड इंजन के विकल्प के साथ आएगी। कार की लंबाई 4.2 मीटर हो सकती है। हालांकि महिंद्रा की इस नई एसयूवी कार के इंजन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं आया है। महिंद्रा प्लग इन हाइब्रिड मॉडल को लेकर गंभीर है और इस दिशा में काम कर रही है। कंपनी घोषणा कर चुकी है कि वो अपनी सभी नई गाड़ियों का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाएगी। ऐसे में ये तय है कि कंपनी एसयूवी 400 का इलेक्ट्रिक मॉडल भी पेश करेगी। एसयूवी 400 में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें कई ताजा तरीन फीचर शामिल किए जाएंगे, जिनमें से कुछ फीचर सेगमेंट फर्स्ट होंगे। यानी ये वो फीचर होंगे जो इस सेगमेंट की एसयूवी कार में पहली बार देखने को मिलेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें आने वाली वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे।